प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गरीब को छत मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर की नौकरशाही प्रधानमंत्री के सपने को चैलेंज कर रहे हैं। मामला सागर जिले के राहतगढ़ से सामने आया है, जहां तहसीलदार एवं प्रभारी सीएमओ सुनील कुमार वाल्मीकि ने अपने दलबल के साथ पहुंचकर एक विधवा महिला को मिले निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास को ही मिट्टी में मिला दिया। विधवा महिला ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की है। मामला जरा यूं है कि राहतगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 12 निवासी रहूब कुरैशी को प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृति मिली। इस दौरान पहली किस्त भी प्राप्त हुई और 20 अक्टूबर 2020 को पति रहूब कुरैशी का मृत्यु हो गई। इसके बाद समस्त प्रक्रिया के बाद प्रधानमंत्री आवास को पत्नी चांदबिया कुरैशी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका निर्माण बिजली ऑफिस के पीछे वार्ड क्रमांक 13 में किया जा रहा था। निर्माणाधीन मकान की लगभग 6 फीट की दीवार पूरी हो चुकी थी, तभी बीते 9 अक्टूबर को तहसीलदार एवं प्रभारी सीएमओ सुनील कुमार वाल्मीकि द्वारा दोपहर 1 बजे अपने दलबल के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे और विधवा महिला को मिले प्रधानमंत्री आवास जो कि निर्माणाधीन था उसे मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान लोगों ने अधिकारियों को बताया भी यह घर कुटी है और एक विधवा महिला की है। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों की एक भी नहीं सुनी और विधवा महिला को घर बनने से पहले ही बेघर कर दिया। इस दौरान महिला ने अनुविभागीय अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई और हमें न्याय नहीं मिला तो हम हमारे 2 बच्चे बड़े कदम उठा लेंगे। तहसीलदार क्या हो गया, पूरी जानकारी बताओ। हमारा घर तोड़ दिया, इधर के आदमी ने सामने कहा कि मत तोड़ो मत तोड़ो, विधवा हो रहा था मगर कोई नहीं सुनी और तोड़ दिया। हमारे 2 बच्चे बुध के दिन हम हटे ही नहीं, हम दूसरे के घर में रह रहा, पक्का था। कहाँ से मिला था ये मकान? कुटी आई थी, हमें कुटी मिली थी, उन्होंने तोड़ दी। अब कहाँ कुटी रही, हमारे 2 बच्चे। कितने किस्ते आ गए थी तुम्हारी? एक के साथ आई थी, हमने सोची छत ढलवा लेंगे तो जब तोड़ ही दिया तो आप वहाँ से, हमारे जो 2 बच्चे हम बड़ी बनाते हैं भाई, हमारा आदमी 4 साल पहले खत्म हो गए और उन्होंने हमारे कुछ भी नहीं सोची, हमारा घर तोड़ दिया। जिन अधिकारों ने तोड़ा उन पर कार्रवाई की जाए और नहीं तो हम हमारे बच्चों को लेकर मर जाएंगे। हमारे जो 2 बच्चे हैं हम बड़ी बनाते हैं और हमारे बच्चों की तेर करते हैं, उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया, हम किसके घर में रहेंगे? हम तो इधर उधर रह रहे थे किराए होंगे घर से, हम आते ही नहीं, उधर तोड़ दिया। हम यही चाहते हैं कि जिन उन्होंने तोड़ा उन पर कार्रवाई की जाए और नहीं तो हम हमारे बच्चों को लेकर मर जाएंगे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज़।